आप जम्मू कश्मीर में जब थे, जी मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइम जी था, बहुत उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या मेरी ये राय है कि जम्मू कश्मीर को आप ज़बरदस्ती या फौज से ठीक नहीं रख सकते हैं। वहाँ के लोगों को जीत के आप कुछ भी कर सकते हैं, और वहाँ के लोग एमिएबल हैं, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है। मैंने तो देखा, मैंने उनको अपने साथ किया। आपने अंदर से डिटेल से देखा, सोल्यूशन वहाँ किस बेसिस पे आएगा? इमीडिएटली तो उनकी स्टेटहुड वापस करना चाहिए। उनको इतना 370 नहीं चुभा जितनी स्टेटहुड लेकर यूनियन टेरिटरी बनाना चुभा। और यूनियन टेरिटरी इन्होंने किस लिए बनाया, जो मुझे लगता है, मुझे नहीं बताई वो बात, इनको ये अंदाज़ा था कि पुलिस रिवोल्ट कर जाएगी, जबकि ऐसा नहीं था। पुलिस इतनी फेथफुली रही भारत सरकार के साथ कि ईद का महीना था, एक एक सिपाही ने छुट्टी भी नहीं मांगी, वहीं लाइन में रहे। तो एक तो स्टेटहुड और उनका प्रॉमिस भी है अमित शाह का हाउस में, उसको इमीडिएटली वापस करना चाहिए और फिर इलेक्शन करा देने चाहिए। बट जब मैं जम्मू गया, ये जम्मू के लोगों को भी ये लगता है कि हमारा मतलब स्टेटहुड ले लिया, हाँ उससे तो वो भी खुश नहीं है। सबसे ज़्यादा वही चीज़ चुभी है। तो ये वाप मतलब कर क्यों नहीं रहे इसको? पता नहीं, मेरी बात हुई, मैंने कहा वापस कराइए, तो बोला कह दिया होगा, क्या जरूरी है वापस कराना, चल तो रहा है सब ठीक। कहाँ ठीक चला, सारी इंसर्जेंसी वापस आ गई है, टेररिस्ट एक्टिव हो गए। अब तो काफ़ी घटनाएं अब तो जगह जगह हो रही हैं, राजौरी में रोज़ होता है, ऊपर कश्मीर वैली में रोज़ कुछ ना कुछ होता है।